हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई स्टार्ट क्लास फॉर बायो मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली व्हाट इट सीज। बायो मीन्स द लिविंग बींग्स एंड द मॉलिक्यूल इट मीन्स द मॉलिक्यूल्स दैट इज प्रेजेंट इन द लिविंग बींग्स। एनी मॉलिक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन द लिविंग बींग्स इज कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स। अंडर द बायो मॉलिक्यूल्स दिस चैप्टर हैव अ लॉट ऑफ सब टॉपिक्स एंड टुडे आई कवर introductory part of biomolecules, how we classify it. Chiefly, there is a sixth element that is major part of biomolecules is oxygen, then carbon, hydrogen, nitrogen. These four are the having the highest percentage, and another two is the calcium and phosphorus. In the living beings, these elements are present in the highest amount. They are in the sequence. Oxygen percentage is highest than the highest in the all present element in the living beings, then carbon, then hydrogen, then nitrogen, then calcium, and then phosphorus. Nitrogen. And here hydrogen, oxygen, carbon, nitrogen, hydrogen, and calcium and phosphorus. Some other elements are there, but the percentage is very minimal. In the earth crust, these elements are also present, but the percentage of oxygen in the living being is higher than the earth crust. In earth crust, the calcium ion is higher than the calcium present in the living beings. तो यहां पे हम बात कर रहे हैं इन छह एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। लिविंग बींग्स में जो एक सीक्वेंस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज, तो ऑक्सीजन का परसेंट सबसे ज्यादा है, उसके बाद कार्बन का, उसके बाद नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। अर्थ कस्ट में कैल्शियम का परसेंटेज लिविंग बींग में कैल्शियम के परसेंटेज से ज्यादा होता है, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स ओ सी एन एंड एच इज एबंडेंट इन एनिमल। देन एनसीईआरटी में दो टेबल हैं, जिन टेबल्स को हमें एक बार देख लेना है। उन टेबल से क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इन द लिविंग बींग्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ क्रस्ट। ये क्वेश्चंस हमको वहां से उसके बारे में थोड़ा डेटा को रिवाइज करना है। इन द बॉडी दीज एलिमेंट are not present in the elemental form. These elements are present in the
compound form. Compound form, it means they are in the molecular form. Like ये मॉलिक्यूल्स आपके बायोमॉलिक्यूल्स फर्दर डिवाइड होगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये या तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या क्या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं? क्वेश्चन ये कि हमारे शरीर में लिविंग बीइंग्स में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। तो एज वी नो आवर बॉडी हैविंग द 70% वाटर मॉलिक्यूल, 70% वाटर मॉलिक्यूल एंड वाटर इज इनऑर्गेनिक। तो ये क्वेश्चन कि हमारे शरीर में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज्यादा है या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का परसेंटेज हाई है। 70% इज वाटर, देन वाटर इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वाटर इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सम मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द एनिमेटेड फॉर्म, सम मिनरल्स आर देयर एंड व्हाट इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज द पॉलीसेक्राइड, इज कार्बोहाइड्रेट, इज प्रोटीन, इज लिपिड, इट्स विटामिन। तो ऑर्गेनिक में आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एक्सेट्रा। तो ये बाइफर्केशन हो गया कि ये बाई मॉलिक्यूल्स मे बी इनऑर्गेनिक और मे बी ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स हैं वाटर, मिनरल्स, एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स। देन फर्दर कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, हम बायोमॉलिक्यूल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो बायोमॉलिक्यूल्स को क्लासिफिकेशन, बायोमॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन हम यहां देखते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन क्या है। तो फर्स्टली बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। तो अभी जो हमने आपको बताया वो बायोमॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स On the basis of molecular weight. So on the basis of molecular weight, biomolecules are classified in the micromolecules or in the form of macromolecules. तो यहाँ पे हम लोग इसको further classified करते हैं micromolecules and another one is the macromolecules. What is the difference of molecular weight? इनमें क्या difference है molecular weight में? Micromolecules और macromolecules में क्या difference है? पहले हम मैक्रोमोलिक्यूल्स देख लेते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स इट मींस द मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन
10,000 Dalton. Molecular weight is greater than 10,000 Dalton. And according to the book, the molecular weight of micromolecules, the molecular weight of micromolecules is less than 800 Dalton. What is present in between them? What is present in between them? 800 Dalton से अगर कोई बड़ा बायोमॉलिक्यूल हो या 10,000 से छोटा, 800 से बड़ा और 10,000 से छोटा बायोमॉलिक्यूल अगर होगा तो वो कहाँ जाएगा? एग्जैक्टली क्या होता है कि जब हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अप्रॉक्सिमेटली 98% 99% ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स इज अंडर द मोर देन 10,000 डाल्टन और अंडर द बिलो 800 डाल्टन. यहां पे इन बिटवीन परसेंटेज ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर वेरी लिमिटेड आर नेग्लिजिबल. और इसका फर्दर बाइफर्केशन हम कैसे करते हैं या प्रैक्टिकली इसको हम कैसे देखते हैं ये हम आपको भी इसके बाद बता देना चाहते हैं. तो एक तो ये हो गया कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स इट मींस यूनिट क्या होगी उनकी, यूनिट क्या होगी. तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स में हमारे मोनोमर्स आते हैं. मोनोमर्स यूनिट की बात है. मोनोमर्स, मोनोमर्स के अंदर क्या आएगा? मोनोमर्स मतलब जो मोनोमरिक यूनिट हो, जो पॉलीमराइज ना हो. पॉलीमराइज होने का मतलब क्या है? पॉलीमर का मतलब क्या है? मोनोमर का मतलब क्या है? मोनोमर मतलब एक सिंगल यूनिट और पॉलीमर मतलब जब बहुत सारे यूनिट पॉलीमराइज हो, एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए चेन फॉर्मेशन के साथ एक बड़ी लंबी चेन बना ले, देन इट इज कॉल्ड पॉलीमर. तो पॉलीमर जिन यूनिट से बने होते हैं उनको हम मोनोमर कहते हैं. तो हम यहाँ पे मोनोमर, कौन कौन मोनोमर हैं बायोमॉलिक्यूल्स में, कौन कौन से मोनोमर आएंगे? लाइक सुगर मॉलिक्यूल विच ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ मोनोमर. Amino acid is the monomer. Another one is the nucleotide is the monomer. है ना? ये glucose polymerize होके polysaccharide बनाएगा, long chain बनाएगा, बड़े molecule बनाएगा. Amino acid polymerize होकर protein बनाएगा. Nucleotide polymerize होके न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन करेगा. तो हम लिपिड को कहां रखते हैं? अगर हम इसी तरह से माइक्रोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहां पे हो जाएगा आपका पॉलीसेक्राइड. इसको हम लोग पॉलीसेक्राइड लिख सकते हैं एग्जांपल में, या हम इसको कार्बो लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट. अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन. प्रोटीन लिख सकते हैं. पॉलीपेप्टाइड भी इसको लिख सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड. न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड. व्हाट अबाउट द लिपिड मॉलिक्यूल? लिपिड मॉलिक्यूल क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल इज नॉट अ पॉलीमराइज प्रोडक्ट. ये एक पॉलीमराइज प्रोडक्ट नहीं है. लिपिड क्या है? लिपिड is the combination of alcohol and fatty acid. Fatty acid और alcohol का combination है जो कि lipid का formation करता है. और इसको हम रखेंगे कहाँ जब ये polymerized product नहीं है? और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम polymerized product को यहाँ पे रख रहे हैं. जो भी polymerized product है वो यहाँ पे आएगा. More than 10,000 Dalton उसका molecular weight होगा. लिपिड का मॉलिकुलर वेट लेस देन 800 है. मॉलिकुलर वेट लेस देन 800 है.
तो वो यहां आना चाहिए, लेस देन 800 है, और मॉलिक्यूलर वेट लिपिड का लेस देन 800 होता है, और ये पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहां पे हमको एक अनदर प्रॉपर्टी लेकर इसको डिसाइड करना होगा कि हम इसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स में रखें या माइक्रो मॉलिक्यूल्स में रखें। तो व्हाट इज द अनदर प्रॉपर्टी? अनदर प्रॉपर्टी क्या है? जब हम किसी भी टिश्यू को, चाहे हम प्लांट टिश्यू लें या एनिमल टिश्यू लें, एनी टिश्यू, जब उसको हम ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड TCA में डिसॉल्व करते हैं, TCA में अगर हम किसी टिश्यू को, टिश्यू लिया, उसको मिंस किया स्टर्मोटाल से, अच्छे से मिंस करने के बाद इस TCA में ऐड किया, अच्छे से घोला, मिक्स किया, और उसके बाद इसको हम मसलिन क्लॉथ से फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर कर लेने के बाद यहां पे आप मसलिन क्लॉथ लगाते हैं, मसलिन क्लॉथ से फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने से जो पार्ट यहां नीचे कलेक्ट होगा आफ्टर, तो इसको क्या बोलेंगे हम? फिल्ट्रेट। दिस वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। और जो रिटेन कर जाएगा, यहां रह जाएगा, जो नीचे नहीं जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? रेटिनेट। तो दिस वन इज कॉल्ड रेटिनेट। तो दो पार्ट हो, फिल्ट्रेट और रेटिनेट। फिल्ट्रेट मसलिन क्लॉथ से नीचे आ गया, इट मींस देयर मॉलिक्यूलर वेट इज लो एंड एज वेल एज इट इज सॉल्युबल इन द TCA, तो उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो यहां पे जो बाइफर्केशन आता है, जो प्रॉपर्टी आती है, कि किस बेसिस पे हम इसको बाइफर्केट करेंगे कि लिपिड को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स में रखें या माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हम उनको रखते हैं जो कि फिल्ट्रेट में आ जाएगा, तो हमारा ग्लूकोज फिल्ट्रेट में आ जाएगा, हमारा अमीनो एसिड फिल्ट्रेट में आ जाएगा, हमारा न्यूक्लियोटाइड फिल्ट्रेट में आ जाएगा, लेकिन हमारा लिपिड फिल्ट्रेट में नहीं आता, हमारा लिपिड इनसॉल्युबल इन TCA, लिपिड इनसॉल्युबल है, तो वो कहां रह जाएगा? रेटिनेट। तो जो भी पार्ट रेटिनेट में रह जाए वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर आए, जिनको आप मसलिन क्लॉथ के द्वारा फिल्टर नहीं कर पाए, रेटिनेट में रह गया, वो कहां आएगा? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी होगी? दूसरी प्रॉपर्टी होगी सॉलिबिलिटी। तो यहां पे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है सॉलिबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी लिपिड इज इन द माइक्रो मॉलिक्यूल्स, रेदर देन इट इज नॉट अ पॉलीमर, रेदर देन इट इज हैविंग द मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800, बट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द रेटिनेट व्हेन इट इज व्हेन द टिश्यू डिसॉल्व इन द TCA, दैट्स व्हाई इट इज हियर इन द माइक्रोमॉलिक्यूल्स। तो एग्जांपल्स अब क्या होंगे, एग्जांपल्स क्या क्या होंगे आपके पास? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड या आपके माइक्रोमॉलिक्यूल्स में आ गए, पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स हो। एक तीसरा भी क्लासिफिकेशन है, एक तीसरा क्लासिफिकेशन और है, तो तीसरे क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या होगा? बायोमॉलिक्यूल्स आइदर इट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट।
बायोमॉलिक्यूल्स या तो प्राइमरी मेटाबोलाइट होंगे या सेकेंडरी मेटाबोलाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबोलाइट? मेटाबोलाइट हम प्राइमरी क्यों कह रहे हैं? प्राइमरी इसलिए कह रहे हैं कि इट इज प्राइमरली यूज्ड इन द बॉडी ग्रोथ, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी ग्रोथ रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में इसका बहुत ज्यादा योगदान है, इसका योगदान है, इसके बिना कोई भी सेल ग्रो नहीं कर सकती है। एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इसेंशियल हैं और ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एक्चुअली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एनिमल की प्रॉपर्टी है भी नहीं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट एनिमल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एनिमल्स में नहीं पाए जाते मोस्टली। एकाक एक्सेप्शन हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर मेनली फाउंड विद द बैक्टीरिया, फंगी, सम फंगी एंड प्लांट्स। बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स, एंड दे हैव नो रोल इन द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बट बैक्टीरिया, सम फंगाई एंड सम प्लांट्स यूज दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फॉर द इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। पिगमेंट्स, दे प्रोवाइड पिगमेंटेशन, गम्स, रेजिन्स, टारपीन्स, टर्पिनोइड्स, जो भी ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये एनिमल में नहीं पाए जाते, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके बैक्टीरिया, बहुत बड़ा एग्जांपल छूट गया, बैक्टीरिया से हम जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, फ्लेवोनॉइड्स आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स राइट नाउ, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मार्केट में जो है बैक्टीरिया को कल्चर करके बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक निकाले जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, गम्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड टर्पिन्स। हैव यू हर्ड अबाउट यूकेलिप्टस? यूकेलिप्टस के पास वृक्ष जहां लगे हों वहां आप जाते हैं, ट्रीज जहां होती हैं तो वहां अगर आप उनको छूते हैं तो एक स्मेल आती है, तो टर्पिन्स जो है यूकेलिप्टस से लिया जाता है या निकाला जाता है। तो इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यूज हम करते हैं, एनिमल्स इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का यूज करते हैं, लेकिन इसको खुद से नहीं बनाते। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इन द बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट्स। ओके, इसके बाद हम अब आप ये यहां पे इसको रोकेंगे और फर्दर मेरी क्लास में इसके बाद जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं सबसे पहले प्रोटीन, आई थिंक प्रोटीन इज प्रोटीन इज मच मोर इम्पोर्टेंस देन अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या मैं एक कोऑर्डिनेशन रख रहा हूँ अपने माइंड में, बोलने में, समझने में, कहने में, याद रखने में, मेमोराइज करने में, तो एक कोऑर्डिनेशन है। देयर इज अ 40,000 जीन्स दैट डिराइव प्रोटीन्स, दो जो कि अल्टीमेटली प्रोटीन्स फॉर्म करती हैं। एंड एवरी फंक्शन ऑफ द बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन्स। देर आर ए लॉट ऑफ प्रोटीन्स दैट इज रिक्वायर फॉर द आई साइट, ए लॉट ऑफ प्रोटीन्स दैट एक्ट ऑन द ब्रेन, ए लॉट ऑफ प्रोटीन्स इन द ईयर, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन
जो कि इस कम्युनिकेशन को, इन सब के कम्युनिकेशन को लेकर चलता है। तो मेरी समझ से प्रोटीन, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, चार या पांच आपको पढ़ने हैं। कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, लिपिड पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है और एंजाइम्स पढ़ना है। एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसाइम। तो ये पांच आपको बायोमॉलिक्यूल्स यहाँ पे पढ़ने हैं। तो उसमें से प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरी जो क्लास होगी इसके बाद उसमें मैं प्रोटीन स्टार्ट करूंगा। और चूंकि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, अमीनो एसिड, तो क्लास अमीनो एसिड से स्टार्ट होगी। अमीनो एसिड क्या है, क्या उसका फंक्शन है, कैसे वो परफॉर्म करता है, वहां से मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। क्या उसका बेसिक नेचर है, कैसे उसको हम क्लासिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मेरे ये रहेगा, आप लोग जुड़े रहिए, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो की इंफॉर्मेशन आपके मेल पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे तुरंत मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियो का आनंद लीजिए। थैंक यू।